साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेस ही है जो चार दशक तक वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही, कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। इसका लाभ राजस्थान के भी करीब करीब 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कहां कांग्रेस के 500 करोड़ रुपए और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड़ रुपए। अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पूर्व फौजियों को आज भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता है।